हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको फिश कट पेटीकोट बना के दिखाऊंगी। इसे बनाने के लिए मैंने 2 मीटर का फैब्रिक ले रखा है। सो गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट दिखाऊंगी मैं आपको। तो मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ, जो फुल लेंथ रहेगी वो हमारी 38 इंचेस रहेगी और जो हिप रहेगी वो 36 इंचेस रख रही हूँ मैं। आप अपने अकॉर्डिंग, आपकी जितनी भी हो, आपका मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग करें। ये मैंने मेजरमेंट कर लिया है, अब मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो हमने लेंथ रखी है उसमें हम 3 माइनस कर देंगे जो कि स्टिचिंग में चला जाएगा। तो हमें 35 इंच फुल लेंथ चाहिए हमें इसकी, तो 35 ये हो गया। और जो हिप का हमें हिप का हमें 4 निकालना है। तो आपका जो हिप का 4 जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी करें, और उसमें 1 प्लस कर देंगे हम। मैं आपको एक पैटर्न ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे ये हमारे बॉक्स बना लिया मैंने इसे पेटीकोट की तरह ही। तो बॉक्स बनाने के लिए बाद ऊपर से हम हिप का 4th लेंगे। तो आपका जो भी हो अपने वहाँ पे एक डॉट लगानी है, फिर तो हमें दूसरे सेकेंड तरफ भी हमें ऐसा ही मिलाना है। फिर हमें इसकी लेंथ लेनी है। आप हिप का 1/2 करिए आपका जितना भी हो। तो वो निशान लगाने के बाद इस तरह से मैं इसको कुछ इस तरह से शेप दूंगी। यहाँ से इस पॉइंट को मिला देंगे हम। आप देख सकते हैं फिगर में आपको दिख रहा होगा। हम इसको स्लैंट लाइन ऐसे इस तरह से नहीं ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज अगर हमने ऐसे किया तो पेटीकोट गलत कटेगा। तो इस तरह से नहीं करना है। ये हमें लास्ट तक जो हमने निशान लगाया था वहाँ तक हमें ये निशान लगाना है दोनों साइड। मैं आपको एक पेपर पे बताती हूँ कि कैसे मैं इसे कट करना है। तो ये पेपर ले रखा है मैंने। पहले हिप का हम 4th लेंगे इस तरह से, फिर हमें इसे लेंथ में ले जाना है हिप का 1/2 जितना भी हो आपका। उसके बाद हम इस पॉइंट को, वो जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट था, वहाँ पे इस तरह से मिलाना है। हमें दोनों पॉइंट्स को इसी तरह से क्रिएट करना है। आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, मैंने निशान लगा दिया है, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद मैं इसकी कटिंग भी कर लूँगी, फिर मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए एकदम स्ट्रेट जाना है, फिर थोड़ा सा कर्व शेप देते हुए इसे कट करेंगे। उसके बाद हम ये पूरी कटिंग कर लेंगे लास्ट तक, फिर हम नीचे से साइड से थोड़ा सा कर्व शेप देंगे। फिर ये देखिए मेरी कटिंग हो चुकी है। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा पैटर्न हमें। अब मैं आपको अपने फैब्रिक पे से कट करके बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसे बीच में से फोल्ड किया है फैब्रिक को। हमें लेंथ जितनी चाहिए अपने अकॉर्डिंग लीजिए। तो लेंथ में इसकी 35 इंचेस रख रही हूँ। अब देखिए मैंने ऊपर से 2.5 इंचेस निकाला है जो कि बेल्ट के लिए होगी, और 2 इंचेस की मैं इसमें फ्रिल या लगाऊंगी। नीचे मैं कुछ डिज़ाइन बनाऊंगी, तो 2 इंच इसके लिए मैंने छोड़े हैं। तो ये मेरी पूरी बनके, मेरी जो हमारा पेटीकोट बनके तैयार होगा वो 38 इंचेस का बनके तैयार होगा। तो देखिए ये मैंने कर लिया है। अब मैं इसके जो निशान लगा लेती हूँ 35 इंचेस पे पूरे पे। फिर इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके अलग कर देंगे, फिर उसके वो हमारे बेल्ट बनाने के काम आएगी। तो ये देखिए मैंने कट करके अलग कर दिया है इसको। ये मेरा मेन फैब्रिक है। अब मैं इसको आपको इस पर मार्किंग बताती हूँ। तो सबसे पहले हम हिप का 4th लेंगे। तो हिप का 4th आपका जितना भी हो अपने अकॉर्डिंग लें। तो मैंने एक निशान लगा दिया है। हमें दूसरे साइड भी ऐसे ही निशान लगाना है उधर कॉर्नर से। तो वहाँ से भी हिप का 4th निशान लगा लेती हूँ मैं। हिप का 4+1 इंचेस या 2 इंचेस, आपको जितनी भी इसमें लूजिंग छोड़नी हो। तो मैंने सिर्फ 1 इंच का लिया हुआ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग करें, आपका जितना भी मेजरमेंट हो आप अपने अकॉर्डिंग करें, निशान लगाएं इस पर। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड पे लगा दिया है। अब मैं इसका लेंथ लूँगी। तो लेंथ के लिए हमें जो पॉइंट चाहिए, जो हमें थाइस, जो हमें नी के पास आएगी वो रहेगी, वो हिप का 1/2 इंचेस रहेगा। आपका जितना भी हो उतना लगाएं। जैसे ये मेरा 38 था, तो 38 का 1/2 होता है 19, तो 19 इंचेस पे मैं निशान लगाऊंगी दोनों साइड पे लेंथ वाइज। दूसरी साइड से भी मैं 19 इंचेस पे निशान लगाऊंगी। लेंथ वाइज लगानी हमें ये निशान। तो ये आप देखिए मैंने निशान लगा दिया है। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो हिप का 1/2 लेना है हमें। तो ये देखिए मैंने निशान लगा लिया है। अब मैं इसे निशान को मिलाऊंगी जो हमने ऊपर निशान लगाया था वहाँ से। तो हमें एक स्लांट लाइन में मिलाना है। तो आप देखिए मैंने निशान लगा लिया है। दूसरी साइड से भी मैं ऐसे ही इसको भी मिला दूंगी, इस निशान को इस निशान से मिला दूंगी मैं। तो देखिए मैंने निशान लगा दिया है, आप इसे देख सकते हैं। मैं आपको इसे थोड़ा दूर करके दिखाती हूँ ताकि आपको ये दिखे और समझ में भी आए। तो ये देखिए मैंने
पूरी तरह से निशान लग गया। ये बर्फी का शेप बनके बनेगा, बीच में कुछ इस तरह का शेप बन के आएगा। तो ये देखिए मैंने मार्किंग कर दी है, ये देखिए ओवरऑल मार्किंग हो चुकी है मेरी। मैं आपको ये जो हमने यहाँ इधर साइड से ये लेंथ है, ये तो लेंथ जितनी है आपकी उसमें मैंने 3 ऐड किया हुआ है, 3 प्लस किया हुआ है। आपको जितना भी इसमें प्लस करना हो, अगर आपको नीचे फ्रिल लगानी है तो आप इसकी लेंथ आप थोड़ी सी छोटी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको जितनी फुल लेंथ चाहिए आप उतनी भी रख सकते हो। उसमें सिर्फ माइनस कर दो बेल्ट को, आपकी जितनी भी बेल्ट है 2.5 इंच की बेल्ट वैसे लगती है। तो वो करने के बाद मैं आपको इसे दूर से दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो हमें ये कुछ इस तरह का शेप मिलेगा जो बर्फ़ी के आकार का है, ये आप इसे देख सकते हैं। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी, तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसे स्ट्रेट कट करेंगे। तो स्ट्रेट जाने के बाद जहाँ हमने 19 इंच का निशान लगाया था वहाँ से हल्का सा कर्व शेप देते हुए नीचे तक हम कटिंग करेंगे इसकी। इधर से भी मैं कट करके इसको अलग कर दूंगी। तो ये देखिए कट हो गया चुका है मेरा। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये नीचे से जो हमने थोड़ा सा कपड़ा रह गया था उसे भी मैं कट करके अलग कर दूंगी। तो ये देखिए ये पूरी तरह से कट चुकी है मेरी, 4 पीसेस मिलेंगे हमें, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसे किसी कैसे इसे स्टिच करना है। तो ये देखिए ये मेरे पीसेस हैं, ये दिखने कटने के बाद कुछ इस तरह के दिखेंगे। इसे मैं हल्का सा कर्व शेप दूंगी, फिर इसे फैब्रिक को मैं कट करके अलग कर दूंगी। ये पीसेस की कटिंग हो चुकी है मेरी, आप देख सकते हैं ये 4 पीसेस मिले हमें कट होने के बाद। अब मैं इसकी बेल्ट को तैयार करूंगी। तो सबसे पहले हम हिप का हाफ निकालेंगे। तो हिप का हाफ वो मेरा 19 इंचेस, इसमें 1 इंच मैं ऐड करूंगी जो कि सिलाई में चला जाएगा। तो 20 इंचेस की मैं बेल्ट ले रही हूँ। तो और इसकी जो विड्थ रहेगी, जो सॉरी उसकी जो लेंथ रहेगी वो 5 इंचेस की रख रही हूँ और विड्थ 20 इंचेस की रहेगी मेरी बेल्ट की। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग भी कर ली है बेल्ट की। अब मैं आपको ये जो हमारा पीसेस था ब्लाउ पेटीकोट का उसे मैं आपको स्टिच करके दिखाऊंगी। तो हमें जो पेटीकोट के 4 पीसेस थे उनको 2-2 करके डिवाइड करके स्टिच करना है। तो देखिए इस तरह से हम इसे स्टिच करेंगे बीच में से रख के, फिर हमें स्ट्रेट स्ट्रेट पहले स्टिच कर लेना है। ये दोनों पीसेस को मैंने अटैच कर लिया, आप देख सकते हैं। अब मैं ये जो हमारा शेप वाला पार्ट था इसे मैं स्टिच करूंगी। तो हमें स्ट्रेट स्टिच करना है, फिर थोड़ा सा कर्व शेप देते हुए इसे भी हमें स्टिच कर लेंगे लास्ट तक जो है वहाँ तक। तो इसे भी मैं स्टिच कर लूंगी, ये देख सकते हैं आप मैंने इसे पूरा स्टिच कर लिया है लास्ट तक का। अब मैं इस पर जो है बेल्ट लगाऊंगी। तो बेल्ट मैं 20 इंचेस की लगा रही हूँ क्योंकि जो हमें बेल्ट की लेंथ चाहिए विड्थ चाहिए थी वो 20 इंचेस चाहिए थी। तो 20 इंचेस की मैंने बेल्ट कट करके रखी हुई है। अब मैं इसे लगाऊंगी तो बेल्ट में पेटीकोट के उल्टेड साइड पे रख के सीधी साइड पे उसे मैं टर्न करूंगी बेल्ट को। तो इसे मैं स्टिच कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने बेल्ट को अपने पेटीकोट के उल्टे साइड पे रखा हुआ है सीधा रख के, और उसको मैं सीधे साइड पे टर्न करूंगी। तो इसे मैं स्टिच कर लेती हूँ। उल्टे साइड पे बेल्ट लगाने के बाद इसको मैं बेल्ट को इस तरह से सीधे साइड पे टर्न करूँगी, 1/2 इंच मैं अंदर टर्न करके इस तरह से रखूँगी इसको बेल्ट को, फिर मैं इसे स्टिच करूँगी। मैं पेटीकोट के बॉटम को भी स्टिच कर लूँगी। तो इसको मैंने 1/2 इंच अंदर टर्निंग करने के बाद इसे स्टिच कर रही हूँ। मैं इसमें जिगजैग फुट का स्टिच कर रही हूँ इसमें। आप चाहें तो इसमें, अगर आप चाहें तो इसकी जो बॉटम है उसको ज़्यादा थोड़ा सा हैवी लुक दे सकते हो, उसमें थोड़ा सा फ्रिल लगा, मुझे इसमें फ्रिल लगानी है इसलिए मैं पतला सा इसमें बॉर्डर बना रही हूँ इसका। तो ये आप देखिए ये मैं पूरे पे स्टिच कर लूँगी। ये इसी तरह से हमें पूरे पूरे पेटीकोट पे स्टिच करना है। तो अब मैं ये देखिए मेरा स्टिच हो चुका है। अब मैं आपको अपने पेटीकोट का जो फिश कट पेटीकोट बना रखी है मैंने,
न्यू डिज़ाइन की वो उसका फुल एंड फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरी पेटीकोट बन के रेडी हो चुकी है, आप इसे देख सकते हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, ये साड़ी के साथ बहुत ही अच्छी लगेगी, बिल्कुल फिश के आकार की लगेगी पहनोगे जब आप। तो इसे आप इस पेटीकोट का आप ज़रूर ट्राई करें। होप यू ऑल लाइक इट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। और अपने मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए जो बेल का आइकॉन है उसे क्लिक करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।